बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंस्टेंट अचार की रेसिपी दे रही हूँ, लहसुन का और अदरक का अचार बना रही हूँ। इसको उसी वक्त बना के खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है, और भी बहुत सी बीमारियों के हर फ़ायदा मंद है। तो आप ये इस तरह करें कि ये लहसुन है, बियो का हो तो जो ऑर्गेनिक होता है वो ले लें। तो इसको बेशक इस तरह छोटे छोटे, अगर हाथ से करना है तो मैं दिखाती हूँ कि इस तरह छोटा छोटा कर लें, इससे इस तरह। तो मैं इस मशीन में, हाथ वाली जो मशीन है, इसमें करने लगी हूँ। बेशक ग्राइंडर में कर लें तो ये, बस देखें इस तरह मैंने मोटा मोटे कर लिया। अब इसमें डाल, तो इसमें जो मसाले जाएंगे, कलवंजी और अजवाइन, अजवाइन थोड़ी ली है, कलवंजी ज़्यादा है एक टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, ज़ीरा थोड़ा सा ये भी एक टी स्पून का है, कुटी मिर्चें ये भी, ये हाफ टी स्पून ली है, नमक है। तो बस ये सारी चीज़ें छोटी छोटी काट के मैं इसमें डालने लगी मशीन में। और अदरक का मैंने दो टुकड़े छोटे लिए, ये इसमें डाल लिया, एक दो टुकड़ा अदरक का और बाकी सारा लहसुन, तीन चार जो टुकड़े हैं पीस वो मैंने लिए। तो अब इसको इस तरह, ये ज़्यादा था मैंने आधा निकाल लिया, दो दफ़ा करके कर लिया, ये इस तरह हाथ वाले में ज़रा आसानी से हो जाता है। ये देखें इस तरह का छोटा छोटा हो गया, बेशक इसे छुरी से ही कर सकते हैं। चलो मैं ये निकाल लेती हूँ एक जगह, फिर दूसरा ये भी कर लेती हूँ। ये सारा इस तरह मैंने कर लिया, इस तरह मोटा मोटा रखा, तो बहुत बारीक नहीं किया। अब इसमें चीज़ें शामिल करते हैं, नमक, हल्दी थोड़ी ज़्यादा है, कम कर आधी डाली मैंने, कुटी मिर्चें, अजवाइन और कलवंजी, और ज़ीरा थोड़ा सा ज़ीरा डाला है हाफ टी स्पून। तो अगर आपने इसको और करना है अच्छा, अपनी पसंद से डालने, सब्ज मिर्च भी डाल सकते हैं, वो भी इसमें अगर क्रश हो जाएगी तो अच्छी होगी। सब इसको मिक्स कर दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये इस तरह मिक्स हो गया, और ये कच्चा अदरक और कच्चा जो लहसुन है इसका बहुत ही फायदे हैं, ये ज़रूर बना के रखें। आप सुबह निहार अगर लें, इतना सा एक हाफ टी स्पून इतना ले लें, तो बस ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो ये ज़रूर बना के रखें। अब इसमें एंड पे ओलिवियन ऑयल यानी जैतून का तेल डालना है, वो बस दो चार चम्मच, ज़्यादा नहीं, दो तीन चम्मच डाल के तो इसको मिक्स करके रख लें। तो जब मर्जी खाएं उसी टाइम खा सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें। इसको मैं शीशी में डाल के, इस तरह एक शीशी में डाल के रख लें, ये मैं डाल के ये इस तरह मैंने शीशी में डाल दिया। अब इसमें ओलिवियन ऑयल डालते हैं, तो बस ये तैयार है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं आपको, कोई और हेल्दी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो मैं घर में, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें अजवाइन, कलवंजी, सब चीज़ों का फ़ायदा है, ज़ीरा भी फ़ायदा मंद है, हल्दी भी फ़ायदा मंद है। तो बस सारी इस तरह तैयार करके रख लें, तो इंशाल्लाह ताला आपका भी अच्छा बनेगा। और ऑर्गेनिक अगर आपके पास लहसुन है तो उसका और भी फ़ायदा है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलते हैं, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।